जिला की पर्यटन नगरी डलहौजी में एक इनोवा टैक्सी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। हरियाणा नंबर की इस गाड़ी में चालक की सोते हुए मौत का अनुमान लगाया जा रहा है। आरंभिक जानकारी के अनुसार बस अड्डा डलहौजी के समीप स्थित होटल पार्किंग के पास पार्क किए गए वाहन नंबर HR 367D 1853 में शव मिला। कयास लगाए जा रहे हैं कि रात को वाहन में सोए इस व्यक्ति की अज्ञात कारणों से मौत हो गई है। उक्त वाहन चालक सैलानियों को घुमाने के लिए डलहौजी लेकर आया हुआ था। जब सुबह सैलानी वाहन तक पहुंचे तो कई बार आवाज लगाने तथा खटखटाने पर कोई प्रतिक्रिया न आने के बाद चालक की मौत का पता चला। उधर घटना की सूचना के मिलने के बाद पुलिस थाना डलहौजी के प्रभारी SHO अनिल शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। मौत की असल वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगा। मृतक की शिनाख्त हरियाणा निवासी 36 वर्षीय अमित कुमार के रूप में हुई है। उधर DSP डलहौजी विशाल वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पंजाब के सिटी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।